उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि रविवार से मैं गोरखपुर में हूं, सोमवार को मैंने स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मलिन बस्ती का निरीक्षण किया है। 5 सालों में गोरखपुर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मैं 2017 के पहले भी गोरखपुर आया हूँ। मुझे देख कर इस बात की प्रसन्नता है कि हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है और मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विकास के कार्यों में रुचि लेकर उनको जमीन पर उतारा है। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर स्कीम के तहत जनपद में 1294 सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा अभी 153 अमृत सरोवर का कार्य पूरा किया जा चुका है। 15 अगस्त तक 259 अमृत सरोवर का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक महिला सशक्तिकरण के कन्या सुमंगला योजना के तहत जनपद में 42,600 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 42,624 लोगों को लाभान्वित किया गया, जिसमें 664.84 लाख रुपया लोगों को दिया गया है। यह योजना कन्याओं के पढ़ाने के लिए है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर 2,000 रुपया दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह में लोग बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं और अपना रोजगार भी कर रहे हैं। लोगों को मानदेय भी दिया जा रहा है, जिसमें लोगों को 5,000 से लेकर 15,000 तक का मानदेय दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर मंडल के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आपका स्वागत करते हैं। कल से मैं आपके जिले में हूँ। मेरे साथ प्रभारी मंत्री के रूप में मेरे साथ में श्री दानिश आजाद अंसारी, जो मुस्लिम वक्फ और हज के राज्य मंत्री हैं, और एक दूसरे जल शक्ति के राज्य मंत्री श्री दिनेश कटिक जी भी हमारे साथ में हैं। कल हमने सब जनप्रतिनिधियों से वार्ता की, उसके बाद उद्यमियों से वार्ता हुई। आज सुबह से मैंने स्कूल, अस्पताल, गौशाला, मलिन बस्ती सभी का दौरा किया और आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गोरखपुर में 5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। मैं 2017 से पहले भी गोरखपुर आया हूं, उसके बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव में भी रहा, और आज मुझे देखकर इस बात की प्रसन्नता है कि हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, उल्लेखनीय प्रगति हुई, और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विकास के कार्यों में रुचि लेकर उनको जमीन पर उतारा है। संक्षेप में 3-4 विषयों के ऊपर विशेष रूप से फोकस करना चाहूँगा। अमृत सरोवर एक स्कीम आई है, 1294 अमृत सरोवर बनने का लक्ष्य है। 15-8 तक 153 अमृत सरोवर का कार्य पूर्ण हो गया, 259 15-8 तक पूर्ण किए जाने। इसके अतिरिक्त जो अभी तक महिला सशक्तिकरण और महिला के बारे में बहुत कहा जाता है, उसके संबंध में आपको जानकारी दे दें कि कन्या सुमंगला योजना ये बहुत पॉपुलर योजना हुई और गोरखपुर में इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिला है लोगों को। 42,624 आवेदन प्रत कन्या सुमंगला में प्राप्त हुए, जिसमें 42,624 को लाभान्वित किया गया। कुल 664.84 लाख रुपया इन पर व्यय हुआ है। ये योजना 6 चरणों में कन्याओं को पढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी, और ये बहुत पॉपुलर योजना हुई,
जब लड़का पैदा हो तो लोग स्वतः लड्डू बांटते हैं, और योगी जी ने जब इस योजना को लॉन्च करके लड़की पैदा हो तो उस पर भी 2,000 रुपये मिलते हैं, ताकि उस पर भी लड्डू बांटो। 2 लाख रुपए की आमदनी वालों को भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जब लड़की पलके तैयार हो जाए तो स्वयं सहायता समूह से उसको जोड़ना, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना, ये भी अपने आप में योजना पॉपुलर हुई। 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश लेवल के ऊपर इसमें लक्ष्य है। ये स्वयं सहायता समूह बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसमें जुड़ रहे हैं और अपना रोजगार भी कर रहे हैं। उन लोगों को इसमें मानदेय भी मिलता है 5,000 रुपये से लेकर और 15,000 रुपये तक मानदेय भी मिलता है। इस योजना भी बहुत पॉपुलर हुई। जुलाई तक 1584 का हुआ है। इस समय लेकिन उसके सापेक्ष 1748 समूह का गठन हो चुका। लक्ष्य ये था, गठन ये हो गया, यानी जितना हमारा लक्ष्य था उससे ज़्यादा का गठन हो गया 110% लोगों का। और स्वयं सहायता समूह के बाद सामूहिक विवाह योजना, ये भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर योजना हुई है। 2017 से लेकर 2022 तक गोरखपुर में 3,026 लोगों को अभी तक इसमें लाभान्वित किया जा चुका है, और 22-23 में 404 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। तो ये कुल 3410 लोग इसमें लाभान्वित होंगे 22-23 तक, एक लड़की के पैदा होने से लेकर और उसके बाद उसके विवाह तक की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इसके अलावा जो पंचायत भवन है उसकी भी बड़े पैमाने पर उसको सराहा गया कि ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई और सबसे छोटी इकाई के बाद भी उसको हर तरह से ग्राम पंचायत लगभग 98% हमारे पंचायत भवन बन गए। गोरखपुर में खास तौर से 484 का लक्ष्य था, 468 बने हैं लगभग 96.69%, और बाकी का काम प्रगति पे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शौचालयों में, सामूहिक शौचालयों में भी बड़े पैमाने पर प्रगति है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6,64,428 शौचालय का निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें 6,64,428 का लक्ष्य पूरा हो गया। फेज दो में 24,761 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य के सापेक्ष 23,043 की पूर्ति कर ली गई है, ये 93.6%। हर घर तिरंगा हमारा लक्ष्य है, उसमें हमारा विशेष रूप से मैंने नगर आयुक्त से कहा है, उन्होंने इस बात का वचन भी दिया है कि हमने जितना भी गोबर और गोमूत्र है उसको इकट्ठा करके उसको भी प्रयोग में लाया जाए, ताकि हमारी गौशालाओं की स्थिति को हम और बेहतर बना सकते हैं उसके माध्यम से। क्योंकि गोमूत्र से हम फिनाइल बनाएंगे और गोबर से खास तौर से इस समय भी कंपोस्ट खाद बन रही, ये अपने आप में गोरखपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोरखपुर में खास तौर से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत गोबर धन वेस्ट टू वेल्थ 21-22 में जनपद में 2 गांव चयनित किए गए थे, हरियरपुर
और गाजे घड़ा चयन, इसमें प्रत्येक गांव में 25-25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियरपुर का कार्य 100% पूर्ण हो गया है तथा गाजे गढ़ा का काम 80% पूर्ण है। ये भी अपने आप में एक मॉडल के रूप में काम करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये तो लोकल मामला है आपका, यहाँ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और उनके माध्यम से जो उन्होंने बेहतर समझा होगा वही किया होगा। जल शासन का मामला बताते हैं आपको, जिन डॉक्टरों का गोरखपुर के लिए तबादला हुआ है वो डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं आए हैं, आपको इसका संज्ञान करा रहा हूँ, CMS और CMO होंगे, पूछ लीजिएगा व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, डॉक्टर ही नहीं है और भी बच्चों के नहीं है। ये आपका हमने नोट कर लिया और हम इसको देख लेंगे। अभी तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत गोरखपुर में 6,811 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और लगातार ये 5 लाख रुपया जो आयुष्मान योजना के तहत दिया जाता है, इसमें 60% पैसा भारत सरकार का है और 40% पैसा राज्य सरकार का है, और इसके अतिरिक्त 69,075 लोगों को निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।